तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज हम अपना सेकंड चैप्टर का इंडियन हिस्टोरियोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क लेने वाले हैं। अगर आपने हमारा पहले वाली वीडियोस नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो हमारे इंडियन हिस्टोरियोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में हम एक एक करके सारे पॉइंट्स लेंगे जो जो इसमें पॉइंट है। तो देखते हैं किन किन लोगों का इसमें योगदान है, कौन से हिस्टोरी इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में। तो हमारा पहला है पॉइंट कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी है हमारा पहला पॉइंट, हम इसको पढ़ के समझते हैं। तो इसका मतलब है, अब मैं पढ़ता हूँ आपको। द अर्लियस्ट स्कॉलर हु स्टडीड एंड रोट इंडियन हिस्ट्री आर मेनली ब्रिटिश ऑफिसर एंड क्रिश्चियन मिशनरी। इसका मतलब है जो भी स्कॉलर थे, मतलब स्कॉलर जो थे उस टाइम के, वो जो स्कॉलर थे वो स्टडी करते और लिखते इंडियन हिस्ट्री के ऊपर, वो ज़्यादातर ब्रिटिश ऑफिसर होते या तो क्रिश्चियन मिशनरी होते, मतलब क्रिश्चियन लोग जो क्रिश्चियन जात में जो धर्म प्रचार बोल सकते, वो या तो वो इंडियन हिस्ट्री लिखते या तो ब्रिटिश ऑफिसर लिखते थे। तो their prejudice is clearly reflected in the way of some them have ridiculed Indian culture. तो जो इनकी मतलब इनकी जो सोच थी इंडियन कल्चर के ऊपर, वो साफ साफ दिखता था कि मतलब साफ साफ दिखता था कि वो इंडियन कल्चर को ख़राब मानते हैं। मतलब सबको पता मतलब रहता था कि ये जो ब्रिटिश लोग हैं वो इंडियन कल्चर को ख़राब ही मानते हैं। their writing were used to justify the colonial British rule. और ये जो लिखते थे वो जस्टिफाई करता था कॉलोनियल ब्रिटिश रूल को, मतलब कि इंडियन के लिए, इंडिया के लिए ब्रिटिश रूल ही सही है। मतलब इंडियन इंडियन ब्रिटिश मतलब इंडियन रूल नहीं कर सकते हैं, खाली ब्रिटिश रूल अच्छे से रूल कर सकते हैं, ये उनका मानना था। और द फाइव वॉल्यूम ऑफ कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया पब्लिशड ड्यूरिंग 1922 to 1937 आर डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। ये एक किताब है, मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है तो इसको इग्नोर करें। तो ये किताब है कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये पब्लिश हुआ था 1922 और 1937 के बीच में कभी, मतलब पब्लिश होता है, इसका फिक्स डेट नहीं है। तो ये एकदम डिस्टिंक्ट मतलब एकदम परफेक्ट एग्जांपल है कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी का। तो इसका अब मैं आपको इसका एकदम क्लियरली अब आपको बताता हूँ। तो जो उस टाइम के स्कॉलर होते थे जो स्टडी करते थे और इंडियन हिस्ट्री लिखते थे, तो ज़्यादातर वो तो ब्रिटिश ऑफिसर होते थे या तो क्रिश्चियन मिशनरी होते थे। और उनकी जो सोच थी इंडियन कल्चर के ऊपर, वो एकदम साफ साफ दिखता था कि वो इंडियन कल्चर को बेकार मानते। और जो ये लिखते थे, ये जो स्कॉलर लिखते थे, वो जस्टिफाई करता था कि जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया के लिए ही सही है और इंडियन रूल नहीं कर सकते। और एक और किताब था, एक किताब है कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वो पब्लिश हुआ था 1922 और 1937 के बीच में, और वो एकदम परफेक्ट एग्जांपल है, डिस्टिंक्ट एग्जांपल है कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी का। तो एकदम परफेक्ट एग्जांपल है। तो कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी का यहाँ तक है। अब हम अपना सेकेंड पॉइंट देखते हैं। हमारा सेकेंड पॉइंट है ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। तो अब हम अपने ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के अपने पॉइंट देखते हैं। तो इसमें का हमारा सबसे पहला पॉइंट है, मैनी यूरोपियन स्कॉलर फील क्यूरियस अबाउट सिविलाइजेशन एंड कंट्री ऑफ ईस्ट। मतलब जितने ये जो यूरोपियन स्कॉलर थे, बहुत सारे यूरोपियन स्कॉलर थे, वो क्यूरियस होते थे, मतलब उतावले होते थे सिविलाइजेशन एंड कंट्री ऑफ ईस्ट के, मतलब जितने भी ईस्ट में कंट्रीज और सिविलाइजेशन है उनके बारे में जानने के लिए वो एकदम उतावले मतलब रहते थे वो हमेशा जानने के लिए उनके। और सम ऑफ द स्कॉलर फेल्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर देम, मतलब और उनमें से ही जो कुछ स्कॉलर थे जो हमारे इंडिया को रिस्पेक्ट देते थे, मतलब हमारे कल्चर को रिस्पेक्ट देते थे, और दिस स्कॉलर आर नोन एज ओरिएंटलिस्ट, और यही जो स्कॉलर है उनको ओरिएंटलिस्ट कहते हैं। और द हमारा सेकंड पॉइंट है, द ओरिएंटलिस्ट स्टडीड द सिमिलैरिटी बिटवीन संस्कृत एंड सम ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेजेस। तो ये जो ओरिएंटलिस्ट होते थे वो स्टडी करते थे वो देखते थे कि संस्कृत और उनके यूरोपियन लैंग्वेज में क्या क्या सिमिलैरिटीज है, मतलब क्या क्या समानताएं हैं संस्कृत लैंग्वेज में और यूरोपियन लैंग्वेज में क्या क्या सिमिलैरिटी है, वो ये सब देखते थे। दे फोकस मोर ऑन वैदिक ट्रेडिशन एंड संस्कृत लिटरेचर,
और ये ज़्यादा से ज़्यादा वैदिक ट्रेडिशनल संस्कृत लिटरेचर पे ध्यान देते थे, मतलब अपना आयुर्वेद उसके ऊपर और संस्कृत लिटरेचर संस्कृत भाषा के ऊपर एकदम ध्यान देते थे कि उसके ऊपर फोकस करते थे वो। देयर स्टडी रिजल्ट इनटू फॉर्मुलेटिंग द नोशन ऑफ द एंशिएंट लैंग्वेज दैट कुड बी द मदर ऑफ ऑल इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। तो इनकी जो स्टडी थी वो रिजल्ट मतलब उनका उनको बाहर मतलब उनको एकदम जवाब मिल गया, जो उन्होंने स्टडी की उसका आंसर उन्हें मिल गया कि जो सबसे एंशिएंट इंडो लैंग्वेज इंडो यूरोपियन लैंग्वेजों में सबसे एंशिएंट लैंग्वेज अपना संस्कृत ही है और वो मदर है सब लैंग्वेजेस का, मतलब इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का वो मदर है संस्कृत, ये इनका कहना था ये ओरिएंटलिस्टों का। तो हमारा अब आगे वाला पॉइंट है सर, इन 1784 सर विलियम जॉन फाउंड एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता, इट ओपनड अ डोर फॉर रिसर्च इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर एंड हिस्ट्री। तो 1874 में सर विलियम जोनस ने सर विलियम जोनस है जिन्होंने एक एशियाटिक सोसाइटी को फाउंडेड किया मतलब चालू किया कोलकाता में, और इसके चालू होने की वजह से दरवाज़ा खुल गया मतलब ओपन हो गया, ओपन डोर खुल गया रिसर्च इन एशियंट इंडियन लिटरेचर, मतलब इंडिया के रिसर्च करने के लिए एशियंट रिसर्च करने के लिए एक दरवाज़ा खुल गया उस एशियाटिक सोसाइटी पे बनने फाउंड होने की वजह से। और अमॉन्ग द ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर, हमारा फोर्थ पॉइंट है ऑल द अमॉन्ग द ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर मतलब उन स्कॉलरों में से फ्रेडरिच मैक्स मूलर डिजर्व अ स्पेशल मेंशन। ये जो फ्रेडरिच मैक्स मूलर ये एक डिजर्व करते एक अलग ही मेंशन, मतलब ये महान एकदम थे तो मतलब उनके लिए एक अलग ही जगह होनी चाहिए हिस्ट्री में, ये कहना था मतलब जो एकदम अच्छे मतलब डिजर्व करते हैं वो एक अलग मेंशन को। तो इन दिस ओपिनियन संस्कृत वॉज द मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, और इनके ओपिनियन के वजह से ये पता चला कि संस्कृत जो लैंग्वेज है वो सबसे एंशिएंट लैंग्वेज है इंडो यूरोपियन लैंग्वेजों में से, मतलब इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा एंशिएंट लैंग्वेज संस्कृत ही है ये पता चला, इन्होंने ये ओपिनियन दिया था। ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन संस्कृत लिटरेचर, एकदम डीपली इंटरेस्टेड है मतलब एकदम ध्यान से वो इंटरेस्ट करते थे संस्कृत लैंग्वेज, मतलब एकदम रुचि थी उनकी संस्कृत लैंग्वेज में। ही फर्स्ट ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हिटोपादस इन जर्मन लैंग्वेज, ये पहले ये ट्रांसलेटर थे जिन्होंने ट्रांसलेट किया था संस्कृत टेक्स्ट, हिटोपादस एक टेक्स्ट है संस्कृत का जो उन्होंने जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था उन्होंने। ही वॉज एडिटर ऑफ 50 वॉल्यूम ऑफ द सीक्रेट बुक ऑफ द ईस्ट, ये एडिटर है 50 वॉल्यूम मतलब 50 पार्ट में एक किताब बनी है द सीक्रेट ऑफ बुक ऑफ द ईस्ट, ये किताब है इसके ये एडिटर थे ही ऑल्सो कंप्लीट ऋग्वेदा विच हैज़ बीन पब्लिशड इन 6 वॉल्यूम, इन्होंने ये एक किताब है इसको भी कंप्लीट किया इन्होंने जो पब्लिश किया इन्होंने 6 वॉल्यूम में मतलब 6 पार्ट में इन्होंने इसको पब्लिश किया था और इन्होंने ही इसको ट्रांसलेट किया था जर्मन में। तो ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर का भी इतना ही है, अब हम अपना आगे देखते हैं। इस वीडियो में हम यही तक देखेंगे, इसका अगला पार्ट मैं जल्दी बना दूंगा, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसका अगला पार्ट मैं बहुत जल्दी ही बनाने वाला हूँ तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप हमारे में नए हैं इसका अगला पार्ट देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जितना हो सके फ्रेंड्स इसको उतना शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।